गन्ना चोरी करते ला रहा है अब गन्ना। तो फ्रेंड्स काफी तेज बारिश होने लगी, हमें पेट्रोल पंप पे रुकना पड़ा। देख सकते कोई गाड़ियां ही नहीं दिखती है, मतलब बस चलते रहो अपने अपने मस्त स्पीड में, ना कोई गाड़ी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स ये है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिसपे हमें, तो आज हमें जाना है इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। लगभग 200 किलोमीटर जाएंगे रोड पे हम, और दिखाएंगे कैसा है, कैसा बना है रोड ये। एक्चुअली हमें थोड़ा काम था तो हम जा रहे हैं, और अभिषेक भाई ने हमारी नई नई बाइक ली थी। काफ़ी इस बाइक को लिए लगभग इनको तीन चार महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने केवल 400 किलोमीटर चलाई है। तो हमने कहा क्यों ना इनके बाइक को नया कर दिया थोड़ा चला के। तो आज हम 400 किलोमीटर इनकी बाइक को चलाने वाले हैं, और जाने वाले हैं और आने वाले हैं। और ये हम टोल प्लाजा पर खड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोल लगने लगा है। अब बाइक का भी टोल लगता है, एक्सप्रेस वे है तो बाइक का भी टोल लगता है, तो लग चुका है। देखते हैं हमें 200 किलोमीटर जाने में कितने रुपए का टोल लग जाएगा बाइक से। तो ये आपसे आ चुके हैं, तो हम चलने वाले हैं आज। सफ़र लंबा है बाइक से, तो अभी तो ये चला रहे हैं, देखते हैं कब तक चलाते हैं ये, कब तक थकते हैं ये आज। तो हम चलते हैं और दिखाते हैं रास्ते में। लगभग 80 किलोमीटर आ चुके हैं, तो काफ़ी अच्छी थी गाड़ी की परफॉर्मेंस। वैसे अभी नहीं है, तुमने बहुत दगाने की कोशिश की, लेकिन 112 के ऊपर नहीं गई। मैंने लगभग एक मिनट के लिए एक्सीलेटर फुल करके छोड़ दिया था, लेकिन 112 के ऊपर नहीं गई। और फिर मैंने इसके बाद कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा तेज में चलाता भी नहीं। सौ ही मेरी स्पीड थी, क्योंकि हाईवे की लिमिट स्पीड भी 100 ही है, तो मैं 100 में ही चल रहा था। 90-100, क्योंकि ये रोड ही कुछ ऐसी है कि 90-100 लगता है कि 50-60 की स्पीड चल रहे हैं। लेकिन कसर बताए तो मज़ा आ गया यार इस रोड पर चला के गाड़ी। वैसे मैं बाइक चलाना मुझे अच्छा लगता नहीं है, मैं बाइक बहुत कम चलाता हूँ, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ बाइक चलाने को, मतलब मज़ा आ गया यार। और ये फीलिंग मतलब अजीब सी फीलिंग थी, मतलब ऐसा फीलिंग मुझे कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने लाइफ में पहली बार भी एक्सप्रेस पर बाइक चला भी रहा हूँ। वैसे मैं अपने गाँव जाता हूँ तो फैजाबाद रोड से, उस पर हमेशा ब्रेक लगाओ, क्लच बदलो, ब्रेक गियर बदलो, यही सब चलता रहता है। और यहाँ पर एक बार लगा दो बस चलते रहो, मतलब पूरा मिला के मज़ा आ गया। अभी तो मुझे चलना है लगभग, हम लोग को बहुत अभी 80 किलोमीटर चलना है, तो अभी 120 किलोमीटर और चलना है। देखते हैं और कितने टोल, अभी तक एक ही टोल मिला है हमें, तो नहीं मिला है, लेकिन देखते हैं और कितने टोल मिलते हैं। फिर हमें रास्ते में काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशन मिलती हैं, लेकिन हम दिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि मोबाइल पकड़ पाना बहुत मुश्किल है उस स्पीड में, कि मोबाइल उठ जाएगी और हमारा घाटा होगा। हमारे पास GoPro होता तो एक अलग ही मज़ा होता है ब्लॉग का, लेकिन नहीं है, क्या फ़ायदा। फिर देखिए, लेकिन लोकेशन हमें रास्ते में बहुत अच्छी अच्छी मिली, देखते रहिए, मतलब मज़ा आ जाता है देख के, लगता है कि मनाली यही है हमारा। पहाड़ नहीं है, लेकिन लोकेशन बहुत अच्छी अच्छी है, मतलब रास्ते में दिखती हैं कहीं कहीं, तो एकदम मतलब मज़ा ही आता है देख के। लोकेशन देख सकते हैं आगे, बहुत जंगल का फीलिंग आ रही है। मैं कहता है रोड से उतर के जाके घूमा है रोड पे, तो देखते हैं यार दूर दूर तक कोई गाड़ियाँ ही नहीं दिखती हैं, मतलब बस चलते रहो अपने अपने मस्त स्पीड में, ना कोई गाड़ी ना कुछ। एक्सप्रेस वे पे यही फायदा है, दूर दूर तक कोई गाड़ी ही नहीं, मतलब मज़ा आ जाता है यार चल के। हम लोग आ चुके हैं, एक्सप्रेस वे उतर गए हैं। एक्सप्रेस वे उतरते ही हमको और एक टोल देना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर रूल है 1 किलोमीटर चलेंगे 1 रुपये लगेगा। तो हमारे हमने जो भी चले 155-160 किलोमीटर चले थे, तो उसका लगा टोल। तो अब ये देखिए पूरा गांव एरिया में आ चुके हैं हम लोग उतर के, काफ़ी अच्छा लग रहा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। यहाँ एक लड़का देखिए गन्ना चुराता हुआ, गन्ना चोरी करते ला रहा है, अब गन्ना चुरा कह रहा है तब जाएंगे यहाँ से, बताओ। ऐसे लोग गन्ना चोर है, गन्ना चोर जो लखनऊ से आके गांव में गन्ना चुरा रहा है, इसकी बाइक हम चुराएंगे, ये गन्ना चुराए। तो देख सकते हैं काफी हरियाली है, ये सरसों का खेत है, सरसों के वादियों में हम आपको थोड़ा सा ले चलते हैं। ये देखिए ये तो गन्ना ले आ चुका है ये, अब गन्ना चुएंगे हम लोग बैठ के यहीं पर, बाकी सब जा दुनियादारी भाड़ में, फिर अब कहीं जाना होगा तब देखा जाएगा। वैसे भी हम लोग मस्ती के टूर पे निकले थे, बस बाइक चलानी थी मुझे, वो भी बहुत ज्यादा। तो हम लोग चुएंगे गन्ना, फिर यहाँ से देखा जाएगा क्या होना है क्या नहीं। अब फैजाबाद रोड से जा रहे हैं, आने में तो एक्सप्रेस वे से आए थे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से, लेकिन जाने में हम लोग ये फैजाबाद रोड से जा रहे हैं। ये ढाबे पर रुके थे हम लोग कुछ खाने पीने के लिए, काफ़ी रात हो गई है और ये अचानक से बिन बादल बारिश भी हो गई, तो हम लोग को घूमना ही पड़ा। अभी भी बादल बहुत तेज कड़क रहा है, चमक भी रहा है, देखते हैं क्या होता है रास्ते में आज।
अभी लखनऊ पहुंचने में हम लोग को बहुत दूर है, अभी 130 किलोमीटर है। अब देखते हैं 130 किलोमीटर में क्या क्या होता है। ये देखिए कितना बम्पर चमका, पता नहीं क्या होगा आज, देखते हैं। चलिए आप रास्ते में दिखा तो नहीं पाएंगे आपको क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि बाइक चलाते समय ये बात सुनिए, आप ये सुनाई पड़ा होगा बारिश का मौसम। अभी हम बाइक से देखते हैं क्या होता है भाई, चलिए मिलते हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी, हमें पेट्रोल पंप पर रुकना पड़ा। देख सकते हैं अभी बहुत दूर जाना है और क्या बारिश है, क्या होगा पता नहीं। ये देखिए पूरा भीग चुका है मैं भी। अब देखते हैं आगे की जर्नी, बारिश बंद होने के बाद ही करेंगे। बाराबंकी के टोल प्लाजा पे क्रॉस कर लिए हैं, ये रहा। अब यहाँ से आया है 50 किलोमीटर में और जाना है, और बज चुके हैं रात के 7:30, तो काफ़ी रात हो गई आते आते। यहाँ पर चाय पियेंगे, ये यहाँ पर चाय पी के फिर आगे हम जर्नी चलेंगे, चाय पी के चलते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं बारिश का कोई नामो निशान नहीं था, और वहाँ पे इतनी बारिश हो रही थी। अच्छा हुआ बारिश से आगे नहीं मिला, वरना हम लोग को रूम ले है, नहीं तो हम लोग को रूम लेके वहीं रहना पड़ता कहीं पर। फिलहाल फाइनली लग रहा है कि हम पहुँच जाएंगे। बीडी पहुँच चुके हैं, ये रहा क्राउन माल, ये रहा बीडी। फाइनली हम लखनऊ पहुँच गए। देखें यहाँ भी बारिश हुई है, अभी देख रहे पानी बराबर ना है किनारे। तो रास्ते में हमें बहुत जगह बारिश मिली, ऐसा लगा नहीं था कि आज हम लोग लग रहा नहीं था कि यार लखनऊ पहुंचेंगे, लग रहा था कि रास्ते में कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा, लेकिन मौसम ने साथ दिया और हम पहुंच गए। क्योंकि हमें फैजाबाद से ही बारिश मिल गया था, मतलब ये ट्रिप हमें हमेशा याद रहेगी। देख सकते हैं ये हमने चला चुकी है 394 किलोमीटर चल चुकी है भाई आज सुबह से, और सुबह हम लोग निकले थे 9 बजे और बज चुका है ये देखिए 20:09, मतलब 8:09 हो रहे हैं। तो शाम हो गई, मतलब मज़ा आ गया ये ट्रिप में, मतलब हमेशा याद रहेगा। मतलब बहुत चीज़ें रास्ते में हुई, लेकिन हर चीज़ रिकॉर्ड तो नहीं हुई, लेकिन मतलब ये एक्सपीरियंस बहुत ही औसम था, लाइफ का बहुत मस्त एक्सपीरियंस था। आप क्या कहेंगे? इसकी बैंड बज चुकी है बैठ बैठ के। फिर चलिए यहीं के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, पूरा देखिएगा मज़ा आएगा।